नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ऑटोमोटिव में। और आज हम बात करेंगे कि ट्रैक्टर के पिछले दो व्हील बड़े क्यों होते हैं। तो अगर इसी चीज को अगर हम रिवर्स तरीके से देखें तो आगे के जो दो व्हील है वो पिछले दो व्हील के मुकाबले छोटे होते हैं। तो पहले हम ये बात करेंगे कि वो दो व्हील छोटे क्यों होते हैं। तो छोटे व्हील के पीछे पहला रीज़न ये है कि जो टर्निंग रेडियस है वो आपको छोटी मिल जाती है। जी हाँ, छोटे व्हील होने के कारण आप जो व्हीकल है उसका व्हील बेस है उसे कम कर सकते हैं और उसके कारण आपके बैलेंसिंग में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ नहीं पड़ती और व्हीकल को आप छोटे डिस्टेंस के अंदर ही टर्न ले सकते हैं। दूसरे रीज़न की बात की जाए तो ड्राइविंग व्यू जो है, आप ड्राइवर सीट पर बैठे हो और आपको व्हीकल की बाहर का जो नज़ारा दिखता है वो अगर आगे के व्हील छोटे होंगे तो आपका जो ब्लाइंड स्पॉट है वो कम हो जाएगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा एरिया है उसे देख पाएंगे, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इस चीज़ के लिए भी जो आगे के दो व्हील है उसे छोटे रखे जाते हैं। पिछले व्हील बड़े होने का पहला कारण ये है कि आपका जो ट्रैक्टर है उसका व्हील अगर पीछे से बड़ा होगा तो उसका ग्राउंड कॉन्टैक्ट है वो ज़्यादा मिलेगा, जिसके कारण जो एरिया के ऊपर प्रेशर आता है वो कम हो जाएगा। और इसका अगर सीधी भाषा में मैं आपको बोलूँ तो नरम मिट्टी के ऊपर आपका जो ट्रैक्टर है वो आसानी से चल पाएगा और उसके अंदर ट्रैक्टर का व्हील जो है वो धंस नहीं सकेगा। जैसे कि मैंने आपको आगे बताया, ग्राउंड के साथ कांटेक्ट बढ़ने के कारण जो ट्रैक्टर है उसकी पावर डिलीवरी यानी कि ज़मीन के ऊपर पावर ट्रांसफ़र करने की जो क्षमता है वो भी बढ़ जाएगी। अगर दूसरी बात की जाए तो आपको रोड के साथ अच्छा ट्रैक्शन मिलेगा। और अगर तीसरी आखिरी बात की जाए तो पानी के अंदर आपका जो ट्रैक्टर है वो धंस नहीं पाएगा, क्योंकि जो प्रेशर है पर इंच ऑफ एरिया वो इतना कम होगा कि आपका जो ट्रैक्टर है वो नरम से नरम मिट्टी के ऊपर भी आसानी से चल सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द ऑटोमोटिव चैनल को, ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिला रहे।